अनुपमा की प्रेम कहानी एक अनोखी कहानी है जो समर्पण, त्याग और दूसरा मौका पाने के बारे में बताती है। कहानी दो चरणों में चलती है, पहला कॉलेज के दिनों में और दूसरा 25 साल बाद। पहला चरण, अधूरा प्यार। अनुपमा और अनुज कॉलेज में साथ पढ़ते हैं। दोनों में एक दूसरे के लिए नर्म भावनाएं पैदा होती हैं, लेकिन अनुज अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। पारिवारिक दबाव के चलते अनुपमा की शादी वनराज से तय हो जाती है। अनुज चुपचाप शादी में शामिल होता है और अनुपमा को सुखी जीवन का आशीर्वाद देता है। दूसरा चरण, दूसरा मौका। 25 साल बाद अनुपमा और अनुज की मुलाकात एक एलुमनाई मीट में होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। अनुपमा अब शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। वनराज के अफेयर की वजह से अनुपमा का वैवाहिक जीवन टूट चुका है। अनुज अनुपमा को सहारा देता है और उसकी डगमगाती जिंदगी में मजबूती लाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहराती है और एक वक्त ऐसा आता है जब उन्हें एहसास होता है कि उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार है। अनुपमा अपने टूटे हुए रिश्ते की जंजीरों से बंधी होती है और प्यार को स्वीकार करने में हिचकिचाती है। अनुज अपने प्यार का इजहार करता है और अनुपमा को खुद के लिए जीने का दूसरा मौका देने का वादा करता है। कहानी के दाम्वपेज, वनराज का अनुपमा के जीवन में वापसी की कोशिश करना, अनुपमा के बच्चों का अनुज को स्वीकार करना, समाज के तानों को सहना, अनुपमा की प्रेम कहानी का सार। यह कहानी बताती है कि प्यार उम्र का मोहताज नहीं होता, सच्चा प्यार हमेशा आपका साथ निभाता है। खुद के लिए जिया जा सकता है, भले ही देर से ही क्यों न हो। यह उन महिलाओं को प्रेरित करती है जो हिंसा या असफल रिश्तों का सामना करती हैं और उन्हें अपने सपनों को पाने के लिए प्रोत्साहित करती है। अनुज और अनुपमा की जोड़ी दर्शकों के बीच काफी पसंद की जाती है। यह प्रेम कहानी हर किसी को प्यार, उम्मीद और खुद पर विश्वास करने का संदेश देती है।